जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही पुराने साथी जिनके साथ मिलकर हमने ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन छेड़ा, जिनके साथ मिलकर हमने 2011 का बिल ड्राफ्ट किया और उसके बाद के उत्तराखंड का बिल, 2014 का बिल वगैरह ड्राफ्ट हुआ, कि आज वही साथी सत्ता पाने के बाद इतना बड़ा धोखा इस आंदोलन के साथ, देश के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये धोखा होने का, ये धोखा जरूर हुआ, हमारे साथ भी हुआ। मैंने भी शायद अरविंद को पहचानने में गलती कर दी, और शायद मेरी ही बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैंने ही काफी हद तक उसको एक तरह की क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करी। लेकिन कई बार धोखा हो जाता है, गलती हो जाती है, लोगों को समझने में, परखने में कई बार लोग बदल भी जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सोच लें कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा धोखा हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो धोखा ही है। और जो जैसा अन्ना कहते हैं कि भाई तुम लोग कीचड़ में सन ही जाओगे, ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, उससे बहुत नुकसान भी हो जाता है, लेकिन हमको फिर से खड़े होकर जो कुछ हम कर सकते हैं जनहित में, जिस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, अब हमको फिर से मशाल जलानी है, नए साथी ढूंढने हैं, नए लोगों को, पहले तो पुराने साथियों को संगठित करना है और साथ में नए साथी भी ढूंढने हैं, और इस देश में जनहित का काम, जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, वो बीड़ा फिर से उठाने का समय आ गया है। इससे बहुत विचलित, बहुत डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। जरूर एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जरूर धक्का लगा है, लेकिन उसके बाद भी हमको खड़े उठ खड़े होना है और अपना काम करते रहना है।